नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और आइए रुख करेंगे आज की खबरों की ओर। विधायक छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के द्वारा जिले में लॉकडाउन कर तमाम प्रकार के कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और हर गेहूं खरीद केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए मास्क और सैनिटाइजर रखने का साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कलेक्टर के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए राजनगर मंडी केंद्र प्रभारी भगवत प्रसाद कुशवाहा। जी हां, आपको बता दें कि राजनगर मंडी अंतर्गत छत्रसाल विपणन सहकारी समिति प्रबंधक भगवत प्रसाद कुशवाहा के द्वारा खुलेआम शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना तो उनके द्वारा खुद मास्क लगाया जा रहा है और ना ही अपने कर्मचारियों को मास्क लगाने की नसीहत दी जा रही है। वहीं जब पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछा गया कि आप कलेक्टर के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं और मास्क क्यों नहीं लगाए हैं, तो साहब के पास ना तो मास्क मिला और ना ही सैनिटाइजर मिला, और तो और कैमरे से बचते नजर आए। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पहले छत्रसाल विपणन सहकारी समिति राजनगर के प्रबंधक केंद्र प्रभारी भगवत प्रसाद कुशवाहा के द्वारा किसानों के साथ किए गए छलावे की खबर पत्रकारों के द्वारा कई बार प्रकाशित की गई और सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल किए गए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे केंद्र प्रभारी के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और खुलेआम मध्य प्रदेश के मुखिया और कलेक्टर के आदेश को ठेंगा दिखाकर अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। शासन के द्वारा निर्धारित समय के बाद भी रातों रात गेहूं की तुलाई की जा रही है, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन इस पर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से मामले को संज्ञान में लेते हुए लापरवाह केंद्र प्रभारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि किसानों के साथ छलावा ना हो सके, समय पर उनके गेहूं की तुलाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि व्यापारियों के द्वारा गेहूं बिना छन्ना लगाकर रातों रात केंद्र प्रभारियों के द्वारा तौला जा रहा है, जिससे किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान अगर अपना गेहूं दूर दूर से लाता है तो उसको घंटों इंतजार करना पड़ता है कि उसका गेहूं तुल जाए, लेकिन वहीं व्यापारियों द्वारा केंद्र प्रभारियों से साठ गांठ बनाकर रातों रात गेहूं की तुलाई कर ली जाती है और किसानों को दर दर भटकने के लिए मजबूर किया जाता है, यहां तक कि छन्ना लगाकर उनके गेहूं को तौला जाता है। लेकिन वहीं व्यापारियों के गेहूं को बिना छन्ने के ही तौल दिया जाता है और पैसे की साठ गांठ बनाकर शासन को चूना लगाया जा रहा है।